आरएसएस के प्रचारक आमतौर पर काफी सादगी से रहते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसके अपवाद नहीं है, लेकिन पहनने ओढ़ने के मामले में उनकी आदत दूसरे प्रचारकों से अलग है। वे सलीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और इन सब को छुपाने में भी कोई यकीन नहीं रखते हैं। तो आइए अब एक नजर नरेंद्र मोदी की लाइफ स्टाइल पर। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे कई मामलों में संघ के दूसरे प्रचारकों से अलग दिखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल में तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में अपने एक सांसद मित्र के घर के एक कमरे में उनकी रिहाइश है। अपना सारा काम भी वे खुद ही करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सलीके से रहना पसंद है और वे ऐसा करते भी हैं। अच्छा पहनना और चुस्त दुरुस्त दिखना नरेंद्र मोदी की खास पहचान है। फिर उन्हें घुड़सवारी का शौक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वे ट्रैकिंग करते हैं और हिंदी गुजराती में कविताएं भी लिखते हैं। अच्छा मोदी जी, कहा जाता कि आप बड़ा कंप्यूटर सेवी हैं, आपको कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, अपनी वेबसाइट बनाना, इन सबका बड़ा शौक है। और बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं, उस तरह की आपके शौक हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में पहला आ गया। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया, कंप्यूटर का, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ, बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुकशॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट, मैं 23,000 फीट तक हो आया हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया हूँ। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं, अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी हैं आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है, कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं? सबसे रहता हूं ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर हूं। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मैं मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा धोया हुआ प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है।